दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में क्यूरम सिरप के बारे में और देखेंगे इसकी क्या यूज है, कहां दी जाती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए क्यूरम सिरप है, ये एक ब्रांड नेम है नोवार्टिस कंपनी का। नोवार्टिस कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट इसको छोटे बच्चों में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी 2 साल से लेके 3 साल तक के बच्चों में दी जाती है। इसे छोटे बच्चे भी इसका यूज कर सकते हैं, 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे भी यूज कर सकते हैं। कहाँ दी जाती है? वहां दी जाती है जहां पर बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है बच्चे को, यानी निमोनिया बनना, लंग्स इन्फेक्शन होना, पेशाब में कोई इन्फेक्शन होना, जुकाम लगना, कफ बनना, खांसी आना कफ वाली, तो वहां दी जाती है। जुकाम के साथ साथ अगर बच्चे को बुखार है, बच्चे की आंख में इन्फेक्शन है, कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कान में कोई पानी चल गया है बच्चे के, तो वहां दी जाती है। स्किन के ऊपर कोई स्किन एलर्जी है, फोड़ा फुंसी है, वहां भी काम आती है। तो कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलाई जाती है छोटे बच्चों में, ठीक है। सेल्फ यूज नहीं करना है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करते हैं भाई इसकी डोज क्या होती है। तो देखिए डोज जो होती है बॉडी वेट पे होती है, बच्चे का बॉडी वेट लेने के बाद डॉक्टर डोज बता देते हैं। वैसे अगर बात करूं 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चों में तो 2.5 ml दे सकते हैं, 2 साल से बड़ा बच्चा है तो 5-5 ml भी 2 बार दे सकते हैं, दिन में 2 बार दी जाती है, ठीक है। जाने साइड इफेक्ट के बारे में, तो वैसे तो नहीं होते हैं लेकिन कभी कभार हो भी जाते हैं, जैसे कि दस्त लगना, वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, कोई स्किन एलर्जी हो जाना, लेकिन ये हर किसी बच्चे में नहीं होते, बहुत ही कम चांस होते हैं, घबराने की बात नहीं है। दोस्तों सावधानी इसकी है, डॉक्टर की सलाह से लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। देने के बाद अगर बच्चे को कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को बताना है। तो ऐसा संपूर्ण रिव्यू मिलते हैं वीडियो में।